कि बेसिकली हम लोग मोबाइल पर हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कई कारणों से भी हो सकता है कि आपकी कॉल किसी को ना लग रही हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी कारण भी बताऊंगा और आपको यहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, सो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक कारण ये होता है कि देखिए यहाँ पर अपने कॉल डायर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हम कोई भी नंबर को जैसे डिलीट करते हैं या फिर उसके नंबर को हम फोन करना चाहते हैं तो देखिए एक ऊपर एक नोटिफिकेशन को हम डाउन करेंगे और यहाँ पर देखिए एक फ्लाइट मोड का आइकन होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां से देखिए अगर हम किसी को इस तरीके से कॉल करेंगे तो देखिए इस तरीके का पहले तो पॉपअप आता है और यहां पर सेटिंग करने को बोलता है। तो ये अगर आपकी दिक्कत है तो सबसे पहले कॉल करते वक्त आपको चेक कर लेना है कि जिस भी नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वहां पर फ्लाई मोड नहीं लगा होना चाहिए। चलिए इस बात को तो आप ध्यान रखेंगे, ये वैसे होता नहीं लेकिन आप देख लीजिए अगर ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा कारण ये होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां के नेटवर्क काफी वीक है, कमजोर है और आप उस जगह को चेंज करके भी दूसरी जगह पर जाते हैं जो आपके मोबाइल का सिस्टम है वो नेटवर्क को रिफ्रेश नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउन करेंगे इस तरीके से और यहां पर देखिए एरोप्लेन मोड को इसके इनेबल करेंगे और फिर इसको यहां से ऑफ कर देना है। सो आपके जो नेटवर्क होंगे वो एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे। इसके कारण अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सो आप यहां पर कॉल करके देखते हैं, अगर आपकी कॉल जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं जा रही है तो यहां पर आप कुछ सेटिंग बताऊंगा उनको आपको चेक कर लेना है। अगर आपकी कॉल जा भी रही है तो भी आप इन सेटिंग को चेक कर देख सकते हैं जिससे कि आपको भविष्य में फ्यूचर में कभी काम आएंगी। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना है और जहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन लिखा है यहाँ पर सिम कार्ड एस मोबाइल डाटा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके जो सिम होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, उसके नीचे चले आना है और यहाँ पर देखिए लिखा होता है डिफॉल्ट कार्ड सेटिंग। सो सिंपली यहाँ पर डिफॉल्ट कार्ड सेटिंग पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर कॉलिंग लिखा हुआ है, अब यहाँ पर रीड कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके अगर मोबाइल में ज़्यादातर लोग दो सिम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, हो सकता आपके भी मोबाइल में दो सिम हो और आपका जो रिचार्ज हो वो दूसरे वाले सिम पे हो और आपने यहाँ पर बाई डिफॉल्ट वन सिम को सेलेक्ट कर रखा है और जब यहाँ पर कोई भी नंबर को जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से नंबर डायल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे सो ये पहली नंबर से ही यहाँ पर कॉल जाना शुरू हो जाएगा और आपको जो सिम होगा रिचार्ज होगा दूसरे में होगा या फिर यहाँ पर दूसरे में है और आपने वन को सेलेक्ट कर रखा तो बाय मिस्टेक आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी कौन से सिम में रिचार्ज है, वही सिम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए जैसे कि हमारे वन में है, अगर आपके टू में हो सकता है तो आपको यहाँ पर टू ही सेलेक्ट करना है जिस सिम में रिचार्ज होगा। इसके बाद देखिए चलिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हर बार फोन करते वक्त हर एक बार आप वहाँ पर दोनों ऑप्शन आए और आप दोनों को चूज करें कि किस में आपको करना है तो यहाँ पर आस्क पर क्लिक कर देंगे सो आपको वन और टू सिम दोनों एक साथ नजर आएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर फिर चूज कर पाएंगे। तो कुछ मिस्टेक ये भी करके रखते हैं तो ये भी आपको देख लेनी है। चलिए यहाँ से बैक आते हैं और इसके बैक आने के बाद देखिए एक और भी सेटिंग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सेटिंग पर क्लिक करेंगे और सिम कार्ड से मोबाइल डाटा पर आपको क्लिक करना है। आपको उसी सिम जो सिम में प्रॉब्लम आ रही है जिससे आप कॉल कर रहे हैं तो सिंपली आपको वो सिम वन या टू कोई भी हो सकता है उस सिम को आपको क्लिक कर लेना है जिस सिम में आपको प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देखिए आएंगे तो आपको एक नीचे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर वीओएलटी, अगर आपका मोबाइल काफ़ी पुराना है तो उसमें वीओएलटी का ऑप्शन होता है वो आपको यहाँ पर इनेबल कर लेना है। अगर आपका मोबाइल अभी न्यू वर्जन के आ रहे हैं तो उसमें वीओएलटी का सेक्शन पहले से ही इनेबल आता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वहाँ पर एक बार जरूर चेक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है और वीओएलटी जब करेंगे तो ऊपर ही आपको यहाँ पर जब इनेबल होगा तो आप जब नेट ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। अब चलिए बैक आते हैं। अब इसके बाद अब क्या होता है कि जैसे कि आपने जब कभी भी किसी को कॉल मिला रहे हो तो हो सकता है आपने मोबाइल काफ़ी लंबे समय तक आप अपने मोबाइल को ऑन रखते हैं या यूज़ करते हैं तो एक बार आपका जो मोबाइल का सिस्टम यूआई सिस्टम है उसको रिफ्रेश नहीं कर पाता है तो आप क्या करेंगे अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करके आपको इस तरीके से पावर ऑफ बटन है उसे प्रेस करके रखेंगे और उसे रीस्टार्ट करके फिर से आपको ऑन कर लेना है यानी ऑफ करके ऑन कर लेंगे सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी कॉल नहीं लग रही है तो आपको ये चेक कर लेना है कि अब आजकल का जो सिस्टम है ना तो आप फोन करते वक्त आपके मोबाइल में रिचार्ज होना जरूरी है, अगर आपका रिचार्ज नहीं होगा तो किसी को कॉल नहीं लगेगा, ये एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपका उसमें रिचार्ज है या नहीं बस ये। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप जिसको कॉल कर रहे हो उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया हो तब भी कॉल नहीं लगता है इस कारण में भी। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आपका कॉल जो है किसी को नहीं लग रहा है या किसी को कॉल आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ कारण होते हैं, ये आप चेक कर लेंगे अपने मोबाइल में तो अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर पाएंगे, उसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आइए छोटा सा वीडियो, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।